सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्ञान पैदा हो जाने से व्यक्ति को मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कितनी बढ़िया बात हो गई महाराज, आदमी का डर निकल जाता है। और आदमी का डर निकल गया, इससे अच्छा और कुछ नहीं। भय होने के कारण व्यक्ति बीमार पड़ता है, अस्वस्थ रहता है, और जब वो निर्भय हो जाता है तो वो स्वस्थ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और यही भगवान चाहते हैं। अभयम कुरु दभयम कुरु जाता दभयम परोक्षात। भगवान की इच्छा यही है कि आप पूर्णतः भय मुक्त हो जाएं और आनंद के भोगी बने। जिनको डर लगा है वो कभी आनंद नहीं भोगते। जिनको डर है वो आनंद भोग नहीं सकते। बोलिए, जिनको डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, उनके सामने रसगुल्ले की प्लेट रखी है पर डायबिटीज कहीं बढ़ न जाए, इस डर से रसगुल्ले को छू नहीं रहे, टच नहीं कर रहे हाथ से, खाना तो बहुत बड़ी बात है। तो भय के कारण आनंद समाप्त हो रहा है, एक दूसरा पक्ष है। और दूसरा पक्ष यह है कि भय के कारण आनंद जा भी रहा है। किसी ने परोस दिया आनंद, नहीं खाना पड़ेगा, एक तो ले लो। प्यार मोहब्बत सारे के सारे चीजें समाप्त हो जाती हैं यहां डर के मारे। भाई तुम्हारा प्यार प्यार की जगह पर, स्वास्थ्य की जगह हम नहीं लेंगे, तुम नाराज होंगे तो हो जाओ, हमारे स्वास्थ्य से ज्यादा क्या। ऐसा कहकर हम नाराज कर सकते हैं रिश्तेदार को, प्यार को। भय की वजह से ये सब तैयार होता है, एक पक्ष है ये। दूसरा पक्ष ये है कि भय की वजह से आदमी का कभी कभी नुकसान भी कम होता है। बालक अगर माता पिता से डरता है, शिष्य अगर गुरु से डरता है, अगर हाकिम से उनके नौकर चाकर डरते हैं, तो समझ लेना काम सब सही चलेगा। माता पिता से बालक ना डरे, गुरु से शिष्य ना डरे, हाकिम से सर्वेंट नौकर ना डरे, तो समझ लो काम बिगड़ेगा, काम सही नहीं होगा। एक जगह डरने से फायदा है, दूसरी जगह डरने से नुकसान है। हर चीज के दो पहलू होते ही हैं। माता पिता से बच्चे नहीं डरते तो परिवार का और बालकों का भविष्य गड्ढे में चला जाता है, नुकसान की ओर। गुरुजी से शिष्य नहीं डरते तो शिष्य का भविष्य गड्ढे में चला जाता है। डरने का मतलब ये नहीं है कि गुरुजी सामने हो तब बुरा न करें। डरने का मतलब है कि गुरुजी को सब मालूम है, वो सब जानते हैं, एकांत अलग होके भी हमसे गलती न हो, इसको डर कहते हैं। माता पिता थोड़े साथ में घूमेंगे, उनकी साक्षी होना आवश्यक नहीं है, उनका अनुभव होना आवश्यक है। वो मेरे साथ हैं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, उन्हें पता चलेगा तो वो क्या कर देंगे, मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का भय जिनको रहता है वो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर रहे, उनका कभी नुकसान नहीं होगा, उनसे कभी बुरा नहीं होगा, वो कली गलत कर्म नहीं करेंगे, किसी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका पीछा डर कर रहा है, इसीलिए वो स्वस्थ बने रहेंगे महाराज।